in that there is no definition of terrorism. So for the definition of terrorism, we had to go to the definition which is there in UAPA, Unlawful Assemblies Prevention Act. उसके अंदर हम जाके टेररिज्म की डेफिनेशन को देखते थे एंड देन दे वर डिफरेंट रीडिंग्स ऑफ व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स अ टेररिस्ट एक्ट. नाउ इन द प्रेजेंट न्यू आईपीसी दिस हैज बीन इंक्लूडेड एंड यू कैन सी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट. हूएवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी इंटेग्रिटी सॉवरेंटी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया विद द इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया और इन एनी फॉरन कंट्री बाई यूजिंग बॉम्ब्स डायनामाइट और एनी अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस सो ऑन एंड सो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स अ टेररिस्ट अटैक टेररिस्ट एक्ट. सो जो तीन मैं कहूँगा आपको जो अभी तक जहाँ तक हमने स्लाइड्स देखी हैं जो मेजर तीन टेक अवे हैं वो ये है कि ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन किया गया है उसके लिए खास पनिशमेंट रखी गई है. पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन किया गया उसके लिए खास पर रखी गई है और टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया गया उसके लिए एक खास पनिशमेंट रखी गई है. सो फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल फ्रॉम स्ट्रीट टू नेशन पूरा उसके अंदर उन्होंने एक तरीके से आपको एक जो कैसे वहां पे कुछ भी जो देश की सिटीजन्स को या देश को खतरा आ सकता है उन चीजों को इसके अंदर नए तरीके से डिफाइन किया गया है और क्लियर डिफाइन किया गया है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है एक तो एविडेंस लेने के लिए और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए इनका यूज किया जाए. एविडेंस के साथ छेड़खानी का जो एक इशू होता था वो अब नहीं होगा. दूसरा कोर्ट में जो टाइम लगता था जो अब ट्रायल की आगे हम बात करेंगे जो कि मैं अभी एक बार में बता देता हूँ कि ट्रायल जो एविडेंस कोर्ट लेता था वो अर्लियर द विटनेस विक्टिम एंड द अक्यूज वाज सपोज्ड टू बी टेकन टू द कोर्ट फॉर द एविडेंस एंड फॉर देयर टेस्टिमनी. नाउ इट कैन बी डन थ्रू ऑडियो विजुअल और मतलब द अदर मींस टेक्नोलॉजी का यूज करके वी विल बी एबल टू डू इट सो एज टू रिड्यूस द टाइम दैट वाज बीइंग टेकन. नेक्स्ट सेम थिंग दैट आई वाज सेइंग रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट medical examination of victim of rape, as I was saying, there has been a timeline given here. And section 185 is very important, search by police officer. In case where police is doing a search without warrant, the seizure, jo panchnama seizure ka jo record hota tha, that now police has to give to the magistrate within 48 hours. Theek hai? This important change has been made under this section of search. Next. ये बेल का एक वेरी इंपॉर्टेंट चेंज हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 187 इन विच द टेक्निकल पूरे डेफिनेशन जो है कि द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स पुलिस कैन आस्क फॉर द पुलिस कस्टडी. अर्लियर विद इन 15 डेज द इनिशियल 15 डेज ओनली द पुलिस कुड हैव टेकन द पुलिस कस्टडी. नाउ दिस 15 डेज पुलिस कैन टेक कस्टडी ओवर अ पीरियड स्प्रेड ओवर 40 डेज इन केस जो कि 60 और 90 डेज का एक पीरियड था पनिशमेंट लेस देन एंड मोर देन कुछ था वेरी टेक्निकल बट नाउ दिस 15 डेज कैन बी स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ 40 या 60 डेज. तो दिस इज अ न्यू चेंज दैट हैज बीन मेड. नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये भी किया गया है कि देर हैज बीन अ टाइमलाइन गिवन फॉर इन्वेस्टिगेशन टू बी कंप्लीट अपार्ट फ्रॉम स्पेशल केसेज लाइक पॉक्सो वेयर द इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड within 60 days. The other cases, the investigation has to be completed within 90 days.